गुरुवार को बिशुनपुर प्रखंड के बनारी व जोरी सीआरपीएफ कैप में 158 बटालियन के द्वारा बिशुनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र से आए ग्रामीणों के बीच सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत सोलर लाइट, टीन सेट, बर्तन सेट सहित अन्य सामान जरूरतमंद व गरीब लोगों के बीच वितरण किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी संतोष पाल ने कहा कि भारत सरकार रिमोट एरिया के उन गांव में जहां किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है वैसे जगहों पर सीआरपीएफ के जवानों के माध्यम से वहां के ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं सीआरपीएफ 158 बटालियन के कमांडेंट सुधीर कुमार ने कहा कि पुलिस आम जनता के लिए है, लोगों को पुलिस नहीं डरना चाहिए। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वे सीधे कैंप में आकर बात कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता व पुलिस के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे दूर करना है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसी कार्यक्रम के तहत आज बिशुनपुर प्रखंड के सभी पंचायत के गरीब व सहाय लोगों को बुलाया गया है जिनके बीच सोलर लाइट, टीन सीट, बर्तन सेट सहित अन्य सामानों का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से बनारी रेंज ऑफिसर अरुण कुमार, फॉरेस्टर राजेंद्र पंडित, बनारी मुखिया बसनू उराव, खागरा मुखिया कलेश्वरा उराव, उप कमांडेंट मनोज कुमार, थाना प्रभारी सदानंद से निरीक्षक जेडी पन्नालाल सहित सीआरपीएफ के कई वरीय पदाधिकारी व जवान उपस्थित थे। इसका उद्देश्य भारत सरकार अपने जो रिमोट गांव है जहां तक किसी भी तरीके का पहुंच नहीं है वहां तक भी अपने जो अर्धसैनिक बल उनकी उपस्थिति है वो उनके बीच में रहते हैं और उनकी समस्याओं को समझ भी पाते हैं। तो ये वित्तीय सहायता भारत सरकार यहाँ तक मुहैया कराती है ताकि उनकी ज़रूरत के सामने और एक अच्छी जनभावना का विकास हो सके। थैंक यू सर। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पाल ज्योति कुमार अधिकारी। बाल विकास के सचिव श्री महेंद्र भगत जी, उसके केवीकी के वरिष्ठ विज्ञानी श्री संजय पांडे जी, बनारी के मुखिया एवं विभिन्न पंचायतों के मुखिया, हमारे ग्राम वासियों, उपस्थित पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहयोगी और समस्त जवान, जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा सीआरपीएफ पूरे वर्ल्ड में नंबर वन पैरामिलिट्री फोर्स में जाना जाता है और हमारा देश जो भारत है ये हम लोग यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पर सदैव तत्पर आपके बनारी में हमारी 158 बटालियन यहाँ तैनात है, जो कि उसके तहत यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम का हमारे कमांडेंट महोदय श्री राहुल कुमार सर के नेतृत्व में जो कि जोरी और बनारी कैंप में आज किया जा रहा है, जिसमें से हमारे ग्रामवासी जो हमारे अंतर्गत जोरी और बनारी के जितने जुरिडिक्शन के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, हमारी ये प्रयास रही है कि उन लोगों से मुखिया जी के सहयोग से, हमारे महेंद्र भगत सर के सहयोग से यहाँ पर सारे लोगों को, उन ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो कि यहाँ पर उनकी आवश्यकता है। जो हमारे प्रत्येक साल ये कार्यक्रम किया जाता है जिसमें से कुछ उपयोगी सामान जो आपके सामने टीन सीट, सोलर लैंप और यूटेंसिल जो कि रोजमर्रे के में आपका सहायक है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।